सुखबीर सिंह इज़ हियर और आज मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ फिर से वापस हूँ। और मेरा आज का जो ब्लॉग है वो मेरी ये NS 160 के ऊपर है। मैंने एक्चुअली मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था NS 160 का रिव्यू देने के लिए, तो मेरा एक फ्रेंड है, दिखाता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, ये बाइक इसकी है और इनकी है। तो इन्होंने आप जैसे कि देख सकते हैं ये है NS 160 बजाज, ये ऊपर स्टिकर लगाया इन्होंने, कुछ मॉडिफिकेशंस की हुई है बाइक के साथ जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये बाइक का पूरा रिव्यू है, ये आपको NS 200 की तरह ही आपको दिखती है। 160 का इसमें इंजन है, ये बाइक में ग्राफिक्स लगाया हुआ है इसने, स्टिकर लगाया हुआ, बाइक बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है। सो ब्रो, आपने ये स्टिकर्स आपने कहाँ से लिए? ये हम लोग का वहाँ पे लोकल स्टोर से। अच्छा, और इधर आ जाइए। अच्छा, कितना आपका इसमें आ गया कॉस्टिंग पूरा? इसका टोटल कॉस्टिंग मेरा वही 750 से 800 तक पड़ा है। अच्छा, वो है। और ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने ये मोबाइल होल्डर भी यहाँ पे रखा हुआ है विथ चार्जर, चार्ज भी होता है ऐसे फोन। अच्छा, कितना पड़ा आपका इसका? अच्छा अच्छा, कैसे होता है एक बार हमारे दिखाइए, यहाँ पे सब सब्सक्राइबर्स को एक बार दिखाइए कैसे चार्जिंग होता है। यहाँ से स्विच है, स्विच ऑन कर देने से अच्छा अच्छा कनेक्शन आ जाएगा जी हाँ। लेकिन केबल है, केबल लेना पड़ेगा, एक तो छोटा केबल मिलता है। अच्छा अच्छा, केबल डाल के मोबाइल यहाँ पे बैठा के लगा देने से चार्ज होगा। अच्छा, मतलब यहाँ से फिर मोबाइल आपका चार्ज किया हुआ है। अच्छा, ये बैटरी आपके मतलब बाइक के बैटरी से किया हुआ है, बैटरी वायर से कनेक्शन किया हुआ है। अच्छा अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वायर है, ये वायर आपका ये बैटरी में जाके कनेक्टेड है, उसके बाद यहाँ से इसमें पूरा लाइन आता है। और जैसे कि अभी भाई ने बोला है कि ये यहाँ पर एक लगता है छोटा सा जैक टाइप लगता है वो, उसके बाद यहाँ से फिर पूरा फ़ोन होता है, चार्ज होता है। और जैसे देख सकते हैं बहुत अच्छा मॉडिफाई किया हुआ है, स्टिकर्स लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है इनका बाइक, फुल स्पोर्टी लुक इन्होंने दिया हुआ है अपनी बाइक को। बाइक के एक स्टिकर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये है मॉन्स्टर एनर्जी, MVP, डार्मी पावर ड्रिफ्ट, द डॉक्टर 46, द डॉक्टर रेडबुल, ये पल्सर 160, NS, बहुत ही जबरदस्त। और ये उन्होंने यहाँ पे कुछ लाइट का स्विच भी लगाया हुआ है, ये स्विच किस चीज़ का है? ये LED इंडिकेटर फुल ब्लिंक करता है। अच्छा, ये स्विच जो है ये है आपका LED क्या है? इंडिकेटर्स है, फोर ब्लिंक का। अच्छा, मैं आपको गाड़ी आपको ऑन करके पहले दिखा दूं, एक बार ऑन करके दिखा दो। अच्छा, ये देखिए, ये आप जैसे कि स्विच है, ठीक है, अगर इसको ऐसे करते हैं तो ऑन हो जाता है, उसके बाद इसके इंडिकेटर्स, फोर इंडिकेटर्स इसके ब्लिंक करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं, LED इंडिकेटर्स है। बंद कर दिए हैं क्या? ऑन है, हाँ ऑन है। वाओ, बाइक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है पीछे से। और सर, आपके इसका कॉस्टिंग कितना आया इसका? इसका इंडिकेटर का, इंडिकेटर का कॉस्टिंग आया मेरा 480 रुपया। अच्छा, 480 परचेस किए थे इसको। अच्छा, आपने इसको ऑनलाइन से परचेस किया था, चलिए अच्छी बात है। बाइक एक बार चला कर देखते हैं, ee
गाइस, मैं अब घर आ चुका हूँ, अभी जस्ट घर आया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ मैं अपना जो नेक्स्ट जो मेरा जो वीडियो होगा, जो ब्लॉग होगा, वो मैं अपनी जीएफ के साथ मैं बनाऊँ, और मैं आप सबको अपनी जीएफ दिखाता हूँ। ये है मेरी जीएफ, माय फायर ब्लेड, बहुत दिनों से पड़ी हुई है घर पे, इसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं पूरा ऊपर धूला जमा हुआ है इसमें, एकदम बाइक यूज़ नहीं हुई है, इसे मैं अब निकालूंगा। आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा बाइक। अब मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो मेरी 220 पे आएगा।